आप अपने घर में टाइल लगाने का विचार कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि भाई टाइल में कितना खर्चा पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ टाइल ही नहीं, आपको टाइल में इस्तेमाल होने वाले, अगर बात करें मटेरियल की, मटेरियल में सीमेंट, बालू, और सीमेंट में भी दो तरह का, सीमेंट में बना के एक मोटर तैयार होता है, दूसरा घोला तैयार होता है। घोला मतलब हो गया आपका जो सीमेंट और सलरी, सीमेंट और पानी मिला के जो सलरी बनते हैं उसको घोला बोलते हैं वो, और साथ ही मेटल हो गया। फिर लेबर रेट, ये सब कुछ मिला के कितना खर्च पड़ेगा भाई, चलते आपको हम दिखाते हैं। अगर ये वीडियो देख लिए ना, गारंटी हम करता हूं कि भाई आपको टाइल निकालने का खर्चा समझ में आ जाएगा और आप भी अपने घर में टाइल लगाएंगे तो इतना ही खर्चा पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला बात करते हैं टाइल। देखिए टाइल रेट हम यहां पे जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम लोग टाइल रेट आपका ₹50 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। यहां जरा समझिएगा, ऐसे आपका ₹30 मिलता है, ₹40 मिलता है, 50, 60, 100 तक भी, उससे भी ज्यादा तक भी टाइल पर स्क्वायर फीट मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं मटेरियल की, मटेरियल जो लगेगा इसमें क्या क्या है, मेरा मटेरियल में सीमेंट प्लस सैंड बालू, और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस 2 से 3 इंच के बीच रहेगा, ये कितना पड़ जाएगा दोस्तों, 80 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, अभी सीमेंट सैंड का जो हम लोग जो मिक्स करके मोटर तैयार करेंगे जो टाइल के नीचे लगाते हैं उसकी बात कर रहा, और साथ ही जो है जब वो लगा देते हैं, जब टाइल फाइनल फिक्स करते हैं तो उसमें सीमेंट सलरी लगाते हैं, और वॉल में जो टाइल लगाते हैं उसमें जो सीमेंट का चटनी लगाते हैं, वो सब मिला करके आपका ₹80 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा, एक लमसम एस्टिमेशन है। और साथ ही तीसरा बात कर लेते हैं लेबर रेट को लेकर के, जो मिस्त्री रहेगा वो कितना रुपया लेगा, वो लेगा ₹20 पर स्क्वायर फीट, आप लोग के पास भी इतना ही रेट चल रहा है। हाँ, अगर इस रेट में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आप रेट को बढ़ा सकते हैं, हम आपको बस रेट बता दे रहे हैं इस पहले, इसलिए कि आप खर्चा निकालने के लिए सीख जाइए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो अब क्या है यहाँ पे, ये पूरा रेट हो गया। अब हम अगर हम एक एरिया जो है फाइनलाइज करते हुए, कितना एरिया, हम मान लें कि 1000 स्क्वायर फीट का एक हाउस है, ठीक है, तो इसका कितना टाइल लगेगा। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, पहला कि फ्लोर एरिया प्लस इसमें स्कर्टिंग भी रहेगा, तो 1000 स्क्वायर फीट है तो 9 इंची का मेरा दीवार रहता है, अंदर भी 5 इंच का दीवार रहता है, तो हम स्कर्टिंग मिला करके, क्योंकि स्कर्टिंग क्या हो गया कि जब फ्लोर से 5 से 6 इंच दीवार में चढ़ के रहता है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो हमको लमसम जो 1000 स्क्वायर फीट ही मेरा जो है फ्लोर आएगा, टाइल का एरिया कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट ये हाउस फ्लोर एरिया हो गया 1000 स्क्वायर फीट। दूसरा क्या मेरा है, बाथरूम, कम से कम जो है बाथरूम, दो बाथरूम में तो वॉल टाइल लगेगा ना बाथरूम में, तो वॉल का कैलकुलेशन करते हैं, बाथरूम की बात कर लेते हैं, तो बाथरूम में एक स्टैंडर्ड 8 फीट और 4 फीट और 7 फीट हाइट अगर करेंगे और गेट को मैनेज करके, तो आपको 150 स्क्वायर फीट पड़ेगा, और दो बाथरूम अगर मेरे पास है तो 150 प्लस 150 इक्वल टू 300 स्क्वायर फीट, ये आपका क्या है वॉल टाइल। और उसी तरह तीसरा में किचन, किचन भी आपका जो है एक किचन रहता है, इसमें भी 150 स्क्वायर फीट रहेगा, तो टोटल टाइल एरिया हो गया 1300 और 150, 1450 स्क्वायर फीट, ये टोटल टाइल एरिया हो गया। यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। अब आगे बात करते हैं, तो अब हम कॉस्ट निकालना शुरू कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉस्ट निकालने को लेकर के, दिल थाम के देखिएगा। तो कॉस्ट की बात कर लेते, जरा ध्यान दीजिए, कॉस्ट में पहला है टाइल का, टाइल कितना मेरा यहां पर, टाइल एरिया मेरा कितना आया 1450 और मेरा रेट कितना था 50, ये आ जाएगा दोस्तों का कैलकुलेट करेंगे तो 72,500 आपका आ गया, किसका, टाइल का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्या है मटेरियल का, मटेरियल
चौदह सौ पचास इंटू अस्सी पर स्क्वायर फीट सीमेंट बालू मिला करके जो खर्च पड़ेगा उसकी हम बात कर रहे हैं, तो 1,16,000 आपका मटेरियल पे पड़ जाएगा। तीसरा लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। लेबर पे आपका 1450 इंटू 20 फिक्स करने का है, ये आपका पड़ जाएगा 29,000। तो अब टोटल जो टाइल लगाने का खर्च होगा, यहां तो हम जो है 1000 स्क्वायर फीट एग्जांपल लिए हैं, आपका 500 स्क्वायर फीट हो, 200 स्क्वायर फीट हो, 300 जितना भी हो आप उसके हिसाब चल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया दोस्तों, ये सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2,17,500 रुपये कॉस्ट पड़ गया। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। टाइल घर में लगा रहे हैं, अगर आपको रेट ही नहीं पता है मटेरियल से लेकर के, टाइल से लेकर के, लेबर से लेकर के, फिर तो आपको कुछ भी ज्यादा खर्चा पता ही नहीं चले कितना खर्चा हो गया। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे अपन तो सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में जो क्लिक कर दिए उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग पकमा कोई नया वीडियो आपको लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।